लोग जीत चुके हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हवा में है। हवा में ये आपको हवा दिखाई दे रहा है। कार को देने वाले हैं ताला और चाबी पर, ताला और चाबी एकदम दिमाग में बैठा हुआ है यहाँ पे एकदम। रूबे रवा को समंदर ना समझ, रूबे रवा को समंदर ना समझ, ये तेरी नदानी है और अब लहरें ही बतलाएंगे कि किसमें कितना पानी है। बताने जा रहे हैं कि सारे प्रत्याशी सरेंडर कर जाए, अभी भी है सरेंडर कर जाए। इंतखाब भाई के साथ हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं। पता है लेकिन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंतखाब भाई पढ़े लिखे शिक्षित आदमी हैं। रिजल्ट आने की वजह से प्रत्याशियों में यानी सेकंड चरण के जो कैंडिडेट हैं उनमें और ज्यादा ऊर्जा आ गया है। अभी आप देख सकते हैं ये इंतखाब अहमद का सेना है, उनके चाहने वाले हैं, उनके दीवाने हैं। सिवान नगर परिषद, स्वागत है सर आपका। आपको भी नदीम अलग अंदाज को बहुत बहुत स्वागत है। खाली घुमाई हुई कि वोटवा दिया ही। जितने भी लोग हैं हमारे सिवान के जितने भी लोग हैं जी, ये पैसा पर नहीं है, दिल से। और ये सब लोग जो है ना एक एक वोट घर से निकाल को देने वाले हैं, ताला और चाबी पर, ताला और चाबी एकदम दिमाग में बैठा हुआ है यहाँ पे एकदम सेट हो गया है। दूसरा कोई नहीं, सिर्फ ताला चाबी इंतखाब अहमद ना खातून वसी अहमद, बस बाकी कोई नहीं है। अच्छा आज रिजल्ट आया है तो अलग अलग बढ़हरिया का, मैरवा का, हर जगह का रिजल्ट देख के और आप लोगों के अंदर कितना ज्यादा एनर्जी हुआ है? देखिए एनर्जी तो हम लोग पहले से भी है और भी एनर्जी बढ़ गया हम लोगों का और इंशाल्लाह जीत हम लोग को सुनिश्चित है, इसमें कोई सोचना नहीं है। एकदम जीत पक्का है, इसमें 100% नहीं 200% आप 200% जीत रहे हैं इंशाल्लाह। तो हम लोग टक्कर, देखिए टक्कर हम लोग किसी से नहीं है, इसलिए ना कि हम लोग के साथ सारे जमात के साथ एक एक विशेष वर्ग से नहीं, पूरे जमात के साथ हम लोग के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है लोग, तो इसलिए हम लोग को सोचना नहीं है। इंशाल्लाह इंतकाब साहब जीत रहे हैं, ताला चाबी जीत रहे हैं, कोई टक्कर नहीं है। इंतकाब साहब से जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे हैं ना वो सब लोग इंतकाब साहब से लड़ रहे हैं, बाकी जितने भी लोग हैं अदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सब लोग जो है इंतकाब साहब से लड़ रहे हैं और इंतकाब साहब जीत चुके हैं इंशाल्लाह। छोटा सा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद आरिफ है, होटल ताजमहल में कॉल। ठीक है, क्या कहेंगे आप? हम तो यही कहेंगे आपको, हाँ यही कहेंगे कि हम सिवान को पूरा अपराध मुक्त बनाना है और ये जो हमारा चुनाव चिन्ह है ताला और चाबी, उसमें सारे भ्रष्टाचारियों को बंद करके ताला चाबी मार देना। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, नहीं वो तो भ्रष्टाचारी बोलता है, वो उसको भ्रष्टाचारी बोलता है, कहता है लेकिन कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे इंतखाब भाई पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, ये हमारे नगर परिषद में जितने भी घोटाला होता है उन्हीं के मार्फत उजागर होता है। अच्छा, नहीं तो ये सब भ्रष्टाचारी है, ये हम जो ताला चाबी हम लोग जो चुनाव चिन्ह है हम लोग उसमें सब भ्रष्टाचारी को बंद करके रखेंगे। टक्कर किससे है? टक्कर हम लोगों किसी से नहीं है, हम लोग पहले ही जीत चुके हैं। ये तो ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, फाइनल है, कोई से कोई ना कोई लड़ रहा होगा ना, कोई लड़े जीते। एग्जांपल हम दे दे रहे हैं, इससे पहले निवरुद चुनाव चुकी है उनकी मदर, उनको जनता पहले बगैर वोट दिए चुन चुका है, अब ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है हम लोग का, फॉर्मेलिटी है जी। 28 तारीख को हम लोग फॉर्मेलिटी अदा करेंगे, शाम को हम लोग जश्न मनाएंगे इंशाल्लाह। उधर चलना है ना बाबू। देखिए सुनिए, हाँ बोलिए ना, इधर आइए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, चलते कि पीछे छोड़ जाएंगे हम लोग, ये सिवान की जो जनता है, हाँ 4500 वार्ड की जो जनता है उसने एक ही आवाज़ उठाकर एक शब्द में एक बात कहा है, रूबे रवा को समंदर ना समझ, रूबे रवा को समंदर ना समझ, ये तेरी नदानी है और अब लहरें ही बतलाएंगे कि किसमें कितना पानी है। बस चलिए चलते रहिए। तो ये देख सकते हैं सारे लोग अपने अपने हिसाब से दावा कर रहे हैं, आने वाला 30 तारीख बता देगा कि रियल में कौन बाजी मारेगा। दावा नहीं है सर, पत्रकार साहब भी इसमें घूम रहे हैं, पत्रकार साहब। अरे छोटे भाई, हम लोग जीत चुके हैं,
ओवर कॉन्फिडेंस हवा में, हवा में ये आपको हवा दिखाई दे रहा है, ये समर्थन, ये हवा दिख रहा है आपको, हम विजुअल में ले लिए हैं। ये सब अपने अपने काम को छोड़ के इंतखाब बाबू के साथ कदम से कदम मिलाकर साथ में चल रहे हैं। एक सवाल का जवाब कोई नहीं दे पा रहा है, बताइए टक्कर किससे है? टक्कर किससे है? हम लोग तो जीत गए हैं, किसी से नहीं। इसमें यही बोलना है कि कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो टक्कर पे? टक्कर हम लोग का भ्रष्टाचारियों से है, जिसको हम लोग 28 को हम लोग ताला चाबी में बंद करेंगे, उसके बाद हम लोग सिवान को एकदम स्वच्छ सिवान बनाएंगे। हाँ। इंशाल्लाह। चलिए, और किसी को कुछ कहना है? जनरेटर भी रुई हो गया है, अब नगर परिषद के सामने से सुना है जनरेटर गायब हो गया है। इसका मतलब समझ नहीं पाए। एक अभी खबर आया था, हाँ। तो उसको भी पकड़े इंतखाब बाबू अपना कि अच्छा। जनरेटर गायब हो गया, हाँ। नगर परिषद के गेट से पकड़ने वाले कौन है? इंतखाब बाबू नहीं है कोई, सारे भ्रष्टाचारी भरे हैं, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई टक्कर में नहीं है। हम लोग जीत चुके हैं। हम तो आपके नदीम के चैनल से कहने वाले हैं कि जितने प्रत्याशी हैं सरेंडर कर जाए, नहीं तो जमाना जब्त होने वाला है। ताला चाबी लॉक कर दिया गया है, हर घर घर का बच्चा बच्चा माँ बहन ताला चाबी को लॉक करके बैठ गया है। हम लोग जीत चुके हैं और सारे पर दावा नहीं कर रहे, हम लोग 100 में 100% हम आपके चैनल से कह रहे हैं सारा प्रत्याशी सरेंडर कर जाए, नहीं तो जमाना जब्त होने वाला है। 30 तारीख को आने वाले 30 तारीख को आपको रिजल्ट बताएगा और फिर हम आपके चैनल पर आएंगे, आपको बताएंगे कितना भारी बहुमत से जीतने जा रहे हैं। आपको खुद अंदाजा नहीं होगा, हम आपके चैनल से कहने जा रहे हैं कि सारे प्रत्याशी सरेंडर कर जाए, अभी भी है सरेंडर कर जाए। इंतखाब भाई के साथ हर समाज के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, जो हर वर्ग के लोग हैं, निचली हो, ऊपरी हो, भुयार हो, पंडित हो, राजपूत हो, यादव हो, मुसलमान हो, हर जाति के लोग इनके साथ हैं और कंधे से कंधे मिला के चलने वाले हैं और शिक्षित और समझदार हैं। कितने लोग कह रहा है कि खाली शहर में इनके चाहने वाले हैं, गाँव में जुटा उधर नहीं है? आप गाँव में गए हैं, सुने हुई बात को देखिएगा कि आँख से प्रत्याशी कह रहा है, जो हुजूम देख रहे हैं, हाँ। ये सब उनके चाहने वाले हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिगुल बजाया है नगर परिषद में, आज से नहीं जनसलाब आ रहा है, देखिए जनसलाब आ रहा है सर, पिछले कई वर्षों से। और आप जो ये प्रत्याशी देख रहे हैं सब अवसरवादी लोग हैं, ये बोलते हैं ना कि अवसरवादी लोग हैं, इनका परिवार पिछले कई सालों से राजनीति में रहा है। आपको विकास देखना है, आइए इनके वार्ड में, आप देखेंगे कि चौतरफा विकास हुआ है। आप सड़क देखिएगा, आप ब्लॉकिंग देखिएगा, आप नालियां देखिएगा, समझ गए, हर तरफ से विकास हुआ है। चलते रहिए, बढ़ते रहिए। जिंदाबाद। दिखाओ। सकते हैं डोर टू डोर इंतखाब जी घूम रहे हैं और जहां तक आपकी नजर जा रही है सिर्फ इनके चाहने वाले, इनके दीवाने तनी दिखावा। हाँ, कंटिन्यू। मैं ये बोल रहा था, मैं इंतखाब भाई के साथ, मैं उनका जूनियर रहा हूँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में जी। एक बहुत ही स्वच्छ शिक्षित आदमी है। आप बाकी जितने भी कैंडिडेट्स देख रहे हैं, ये सिर्फ भ्रष्टाचारियों का एक जत्था है, इन्होंने हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, चाहे वो डस्टबिन घोटाला हो, चाहे वो जमीन विवाद हो, चाहे वो अभी जनरेटर चोरी का मामला है, बहुत सारे मामले हैं। तो हमें साफ सुथरे आदमी की जरूरत है जो हमें लीड करे, और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है हमें क्या चाहिए, हम आम जनता हैं, हमें चाहिए एक शिक्षा हो, बढ़िया नाली हो, ये तो इन सारी चीज़ों को अगर आपको देखना है। नदीम भाई, मैं आपको दावत देता हूँ कि आप आइए शेख मोहल्ला वार्ड में। इंतखाब भाई का परिवार पिछले कई वर्षों से ये इसमें रहा है राजनीति में, और इन्होंने विकास किया है। अब इनको अब जो हमें चाहिए
जब अब इनको वार्ड से निकाल के इनको अवसर देना चाहिए हमें कि ये पूरे नगर की सेवा करें और किसी धर्म जाति का नहीं, हर धर्म के लोग, हर किस्म के लोग जो हैं, हर तबके के लोग हैं वो इंतखाब भाई के साथ हैं। मुझे पूरी उम्मीद है हाँ क्या कहिएगा, इंतखाब भाई आए हैं मेरे साथ हैं, हम उनके दोस्त हैं, मित्र साथ हैं। हाँ कब से? अरे बहुत पहले हम लोग साथ में पढ़े हैं। साथ में पढ़े हैं, नाम क्या है आपका? मेरा राजकुमार नाम है। राजकुमार जी, एकदम मलाई मार के वोट दिया, एकदम यही जीतेंगे जी। चलिए, और ये आपकी माता जी हैं? जी जी, माता जी हैं। इंतखाब बाबू को जानती हैं जी? चाची इंतखाब बाबू को जानती हैं? आपके भैया के दोस्त, बेटे के दोस्त हैं? अच्छा, ठीक 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 है। इंतखाब भैया को जानती हैं? कौन है? मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं। दोस्त हैं, तो दोस्ती निभाया जाएगा कि ऐसा ही? अच्छी तरह से, आप लोग नहीं भी आते तो हम लोग उनके साथ हैं। वो तो मिलने आए हैं आप लोगों से? हम लोग उनके साथ है शुरू से ही। शुरू से आप लोग साथ हैं? चलिए, पूरा परिवार। पूरा परिवार। आपका नाम क्या है? माया चौरसिया। तो ये आप देख सकते हैं, यही मैं पूछना चाह रहा था, लोगों से समझना चाह रहा था कि इंतखाब जी के साथ हर समाज के लोग हैं या नहीं है। ये आप देखिए, ये देखिए, हर समाज में इनके चाहने वाले हैं, इनके दीवाने हैं। तो बने रहिए हमारे चैनल पर, ऐसे ही हम लोग एक एक अपडेट आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पहला चरण का चुनाव खत्म हो गया है, अब हमारी टीम पूरी तरह से सिवान में लगी हुई है, एक एक अपडेट आप तक हम लोग पहुंचाएंगे। बने रहिए, देखते रहें अलग अंदाज।